आप उन लोगों को जानते थे जिन्होंने आपको मारा है? जानते थे? सबको जानते थे? एक को जानते थे। पहले क्या कोई लड़ाई हुई थी आपकी? उसके दोस्त करण से थी। करण से थी? तीन लड़कों ने वहाँ उसको पकड़ा और चाकू से गोद दिया। कभी मैं प्रशासन की मानता हूँ, कोई डर नाम की चीज है नहीं इन बंदों के पास। जब मर्जी गिर चाकू मार, छीना जब्ती कर लो। 10-12 चाकू मेरे लड़के को मारती है। पुलिस मैडम ढूंढ रही है उनको, अभी कोई पकड़ा नहीं गया। करेगी पुलिस जब मेरे सामने मेरे लड़के कातिल लाके खड़ा करेंगे, तब मैं जानूंगी पुलिस के इतनी दिल्ली में वो है। इनके केक लेने गया, 10 मिनट नहीं हुआ था, मैं अपने लड़के के सामने से आई हूँ दुकान पर से सामान लेके, इतनी देर में मेरे लड़के के हाल हुआ है। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बता दें कि देश की राजधानी में आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में इन पर लगाम लगाने की सख्त जरूरत है। आपको बता दें दिल्ली का मंगोलपुरी क्षेत्र में क्राइम की वारदातें चरम पर हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस अपराधियों को कहीं ना कहीं पकड़ने में नाकाम हो रही है। यही वजह है कि हर रोज इस क्षेत्र से ऐसी वारदातें सामने आती हैं जो आपको हैरान कर देगी। आज एक और मामला हमारे सामने आया है कि एक युवक को जिसकी उम्र 17 साल है, उसको बेरहमी से 10 से भी ज़्यादा बार चाकू गोद कर उस पर इतनी बार हमला किया गया कि उसकी जो हालत है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा गंभीर है। वो इस वक्त संजय गांधी हॉस्पिटल में एडमिट है और इस वक्त हम लोग परिवार वालों के साथ मौजूद हैं। क्या कुछ परिवार वालों का कहना, एक बार उनसे जुड़ेंगे और आपको पूरी खबर दिखाएंगे। आप उनके पापा हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या हुआ था बताइए? मैं 3 जनवरी का टाइम था, उसकी मदर का बर्थडे था, वो शाम के टाइम केक लेने गया कला मंदिर डी ब्लॉक पे। अभी 3 लड़के पहुँचे, थोड़ी सी बात पूछे भाई क्या है, अब अचानक चाकू निकाल तीनों ने मारना चालू कर दिया इसको। अच्छा, अब इतना मारा कि मैंने इसकी कोई कंडीशन थी नहीं। ये कोई अनजान बंदा है, पहचानता था उसको, बंदे ने देखा बोले भाई ये तो अपनी तरह का बंदा है, तो उसको लाकर हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो मैं काम पर से आया था तो मेरे घर में ऐसी सी बात हो गई, तब हम लोग यहाँ हॉस्पिटल भाग के आए, उसके बाद तब से यहीं पर रह रहे हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा आपका ही बर्थडे था मैम? हाँ मेरा बर्थडे था। हाँ। मेरा लड़का लेने गया था केक, लड़की फोन करी कहा वो आदित्य बोला संदे मेरे चाकू मार दिया कोई। अच्छा एक बार बताइए, जो लड़कों ने मारा था आप लोग उनको जानते हैं क्या? नहीं मैडम, हम नहीं जानते हैं। आप लोग नहीं जानते हैं? लड़कों को पहचानता है, खाली बस इनमें से एक को पहचानता है। उसका मेरे पास फोन आता है कि चाचा ऐसे ऐसे मेरे साथ मुझे चाकू मार दिया है। जी मैडम, मैं वहाँ पहुँचा तो लड़के चाकू उपयोग करके भाग चुके थे वो। तो मैडम बस उसको फिर मैं संजय गांधी में आया, ट्रीटमेंट चालू था सारा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई उसको, उसका पेट ऑपरेशन करके फाड़ दिया गया है, इंटरनल को कोई घाव नहीं आया है, बाकी मैंने हालत गंभीर बनी हुई है। अच्छा कितने चाकू लगे होंगे उसको? कम से कम 10 चाकू गोदे गए, वो सारे डीप है। आप उनके दोस्त थे? हाँ। क्या बताइए, आप जानते हो, आपसे तो बात शेयर करते होंगे। हाँ, वो जहाँ पहले रहता था वहाँ पे थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, तो यही पता लग रहा है कि वही है, सारा मैटर उसी का ही है। अच्छा आप लोगों ने पुलिस को कंप्लेंट लिखवा दी? जी मैडम लिखवा दी। अच्छा जिनसे पहले लड़ाई थी वो इस केस में शामिल थे क्या? जब ये सब जिनसे लड़ाई हुई है वो मेरे घर पे माफी मांगने आए। मेरा एक लड़का है, माफ कर दो मेरा बच्चा, अब ऐसे गलती नहीं करेगा, कुछ मत करना। मैं बोली हूँ कि कोई बात नहीं, मैं अपना लड़का समझ के चलो, बच्चे बच्चे हैं, लड़ाई कर लिए। वो भी मेरा लड़का दुकान में भी काम करता था, उसको बोला कि मेरे लड़के को पार्क में मारे हैं। हाँ, मेरा लड़का हाथ तक भी नहीं लगाया है। अच्छा कुछ नाम पता है कौन थे क्या थे, कुछ बताओ? पीयूष नाम बताता है वो। मेरी बात हुई थी उस जो इमरजेंसी के अंदर, तो हमने पूछा कि कौन था, बोला है पीयूष। आप जानते हो आप लोग पीयूष कौन है? ये बस सुना है कि यही आसपास में ही रहता है, बस केवलोक में। और कोई शामिल था इसमें? 3 जने बता रहे हैं। अच्छा दिल्ली पुलिस को FIR लिखवा दी, कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई अभी तक? लड़के मैडम पकड़े नहीं गए अभी भी, पकड़े जाएंगे तो कार्रवाई। बहुत परेशानी में है, हम लोग के होश हवास नहीं है,
अब मैं मेरे बच्चे मेरे घर पे आ जाए सही सलामत। बस यहाँ के पुलिस वाले ना सब कमीशन लेने वाले हैं, जहाँ पर सपा जाएंगे ना वहीं के हो जाएंगे। हम लोग हैं गरीब आदमी। वो लड़के पकड़े जाए उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई हो, बंद हो जाए वो, चाहे बालिग हो चाहे नाबालिग हो, जैसा उसके साथ हुआ मैडम उनको सजा मिलनी चाहिए। अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया मैडम। अगर प्रशासन सजा नहीं दे सकता तो हमें दे दे, जैसे मेरे बच्चे के साथ मैं भी उनके साथ वैसा ही करना चाहता हूँ। अगर प्रशासन नहीं दे सकता तो कम से कम हमें देने का अधिकार दे दे कि आप कर सकते हो। आपको पता नहीं इस एरिया में रोज क्राइम की एक नई खबरें आती है। कमी किसकी मैडम है? प्रशासन की हमारे कमी है ना। प्रशासन ढील दे रखा तभी तो बंदे ऐसा कर रहे हैं। अगर प्रशासन सख्त हो हमारा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आम आदमी के लिए तो वैसे भी कोई काम कर नहीं सकते, पैसे वाले तो कह लेते कुछ भी करते, पर गरीब आदमी क्या करेगा आप बताओ। तो ये देखा आपने पूरा मामला किस तरीके से एक 17 साल के युवक के ऊपर इतनी बेरहमी से उसको बार बार चाकू गोदकर इतनी गंभीरता से उसको मारा गया कि इस वक्त वो एडमिट है हॉस्पिटल में। और आपको बता दें कि इस क्षेत्र में क्राइम की वारदातें बढ़ती जा रही है, दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं ढील दे रही है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में रोज़ाना अलग अलग एरिया से ऐसी आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं जो आपको हिला के रख देगी। तो हम चाहते हैं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो जो अपराधी हैं जो अभी भी फरार घूम रहे हैं उनको दिल्ली पुलिस पकड़े और सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई करे। और आपकी इस पूरी वीडियो पर क्या राय है हमारे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन खुशी लाल के साथ मैं दिव्या झलको दिल्ली।